इससे साथ लेकर चला जाए, आप मानेंगे कि ये बीजेपी के लिए एक सीरियस प्रॉब्लम है? देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को डरने की जरूरत भी नहीं है। एक मीडिया के कुछ सेक्शन में, जिसमें आपका भी चैनल आता है, उसने प्रचारित की हुई बात। उस वक्त जो चुनाव लड़ा गया था अटल जी की लीडरशिप में, आपको लगता है अटल जी से ज्यादा पॉपुलर है मोदी? उस वक्त में जो स्थिति थी बीजेपी की देश भर में, इस वक्त अलग लहर है आपको लगता है जो आप लोग दावा कर रहे हैं? देखिए, बीजेपी की लहर अभी तो मुझे दिखाई पड़ती है, और मुझे लगता है लहर के आधार पर हम सरकार बनाएंगे। अटल जी से तुलना करें, अटल जी से ज्यादा पॉपुलर है वो तुलना करने का काम आपका है। पॉपुलर है अटल जी से मोदी ज्यादा? भैया, आप कितना भी ट्राई कर लो कुछ नहीं निकाल पाओगे, क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? कुछ नहीं किया हमारी सरकार के खिलाफ। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम कुछ नहीं करते हैं। व्यक्ति और सरकार के खिलाफ बोलने की सहनशीलता, सुनने की सहनशीलता हम में है, कोई बोलता है तो, मगर देश के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो इसको ना सहन करना चाहिए, ना हम सहन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता सेना के सर्जिकल स्ट्राइक के लिए गर्व महसूस करता है, देश की जनता गर्व महसूस करती है, और देश की जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो गर्व महसूस करते हैं, उसमें अगर आपको आपत्ति है तो मुझे तो लगता है कहीं मूल में ही खोट है। राहुल जी ने इतने बड़े बड़े मसलों पर बयान देने की जगह आलू की फैक्ट्री पर कंसंट्रेशन करना चाहिए। I'm laughing cause my motherfucking life is a mess, but I made it and I wouldn't trade it cause I stay faded, fucking all the bitches till it look like we related. हार से कई बार आदमी सबक लेता है, जाहिर है उस हार से कुछ सबक लिया होगा आपने, क्योंकि आप स्ट्रेटजिस्ट हैं, तो उस सबक के हिसाब से कोर्स करेक्शन करता है आदमी कि कहां चूक हुई और उसके बाद हम रणनीति बदलते हैं। नहीं नहीं, मेरी पार्टी हर हार से सबक लेती है, इसीलिए तो दो सीट पर हम रह गए थे, वहां से पूर्ण बहुमत लेकर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हार से कई बार आदमी सबक लेता है, जाहिर है उस हार से कुछ सबक लिया होगा आपने, क्योंकि आप स्ट्रेटजिस्ट हैं, तो उस सबक के हिसाब से कोर्स करेक्शन करता है आदमी कि कहां चूक हुई और उसके बाद हम रणनीति बदलते हैं। नहीं नहीं, मेरी पार्टी हर हार से सबक लेती है, इसीलिए तो दो सीट पर हम रह गए थे, वहां से पूर्ण बहुमत लेकर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार।